हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। कलयुग आधार चेतन महाप्रभु की जय। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 78 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया, भगवती युत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं, नमामि भक्तशतकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासदि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर नंबर 8 जिसका शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग तथा वन गमन। तो हमने देखा ध्रुव महाराज किस तरह से घर को त्याग कर वन की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, और नारद मुनि ने उन्हें पूरा निर्देशन दे दिया है कि भक्ति किस तरह से करनी है, भगवान को प्रसन्न किस तरह से करना है। तो उसी नारद मुनि के आदेशों के अनुसार वो मधुवन में जाते हैं, और मधुवन में जाकर वो सबसे पहले यमुना नदी में स्नान करते हैं और रात्रि को उपवास करते हैं, और रात्रि को सोते भी नहीं हैं, कुछ खाते पीते भी नहीं हैं। तो ऐसा आचार्यगण कहते हैं ये नियम है, जब हम तीर्थ स्थान में जाएं तो प्रथम दिन हमें उपवास रखना चाहिए, ताकि हमारा जो शुद्धिकरण हो जाए इंद्रियों का, और हम उपवास करके इंद्रियों को शुद्ध करके तीर्थ स्थान का सही मायनों में लाभ ले सकें। उसके बाद वो अपनी तपस्या किस तरह से प्रारंभ करते हैं उसको हमने कल पढ़ा, कि वो सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिरात्रांते कपिथ बदराशन। तीन दिन के बाद वो केवल बेर का फल खाते हैं, और आत्मवृत्त्यानुसारेण मासम निन्ये चयन हरिम। वो क्या करते हैं, केवल जी सके उसके लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, वो ऐसे खट्टे और कड़वे फल भी खा लेते हैं, ताकि बस इंद्रिय तृप्ति या स्वादिष्ट भोजन के लिए नहीं, किस तरह से वो अपने आहार को कम करते 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 उसको समाप्त करते हैं। आगे कहते हैं द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे षष्ठेर्भको दिने त्रिणापर्णादि भीषणे कृतानोभ्यर्चयन विभुम। द्वितीयम च तथा मासम, दूसरे महीने में षष्ठे षष्ठे छठे छठे छः छः दिन के बाद वो क्या करते हैं, त्रिणाप्रदि भी
जो घास और पत्ते, सूखे पत्ते जो छीणे स्वतः, हरा पत्ता कभी नहीं तोड़ा, जो स्वतः गिर जाते थे उस सूखे पत्ते का सेवन करते थे, है ना। हम सूखे पत्ते तो छोड़ो, अगर कोई एक दिन हमको सूखी रोटी भी मिल जाती है ना, तो वो भी हमारे से अंदर नहीं जाती, बोलते क्यों इस पे घी नहीं लगाया, है ना, क्यों ये सूखी रोटी क्यों है और ये इतनी ठंडी रोटी क्यों है। यहां से हमें तपस्या को देखना चाहिए कि ये जीवन जो है केवल इंद्रिय भोग के लिए नहीं है, बल्कि भगवत प्राप्ति के लिए है। और भगवत प्राप्ति के लिए ही जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन जो है वो तत्व जिज्ञासा है। कामिस्त नो इंद्रिय प्रीति लाभो जीवे तजावता, काम के द्वारा इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी है, लाभो जीवे तयावता, बस जी सके उतना। आगे क्या करते हैं, तीसरे महीने में, तृतीयम चान्यनम मासम नवमे नवमे हनी अभ्यक्षम उत्तम श्लोकम उपादात उपादावत समाधिना। अब वो क्या करते हैं, तीसरे महीने में नवमे नवमे अहमी, नौ नौ दिन के बाद केवल पानी पीते हैं। बस उन्होंने पहले बेर खाना छोड़ दिया, पत्ते खाना भी छोड़ दिया, अब केवल पानी पीते हैं। और फिर चौथे महीने में तो उन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया। चौथे महीने में क्या करते हैं, चतुर्थम अपि वै मासम द्वादशे द्वादशे हनी वायु भक्षो जित श्वासो ध्यायन देवम अदारयत। वायु भक्षो जित श्वास, वो भी कब, केवल वायु खाते हैं। पता नहीं क्या है इसका मतलब, ये तो मतलब ही समझ में नहीं आता। मैं तो ऐसे ही बता रही हूँ कि 12 12 दिन के बाद वो एक बार सांस लेते होंगे, और इस तरह से सांस लेते हैं, ध्यायन देवम अदारयत, और भगवान को हृदय में धारण किए हुए। अब उन्हें किसी भौतिक वस्तु की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि जब भगवान हृदय में आ जाते हैं ना, तो भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। और फिर 12 12 दिन हो, यानी कि बस महीने में 2 बार खाली एक बार सांस लेते होंगे, और उसके बाद क्या होता है, उनका मन जो है वो परब्रह्म में, परब्रह्म का मतलब होता है जो चिन्मय है, जिनकी लीलाएं प्रकृति से पार हैं, ऐसे श्री विष्णु में, विष्णु में उनका मन एकदम तल्लीन हो जाता है। मन जो है, मन में भगवान उतर जाते हैं। और फिर पांचवें महीने में क्या करते हैं, पंचमे मासयानु पंचमे मास्यनु प्राप्ते जित श्वासो निपता निपात्मजः ध्यायन ब्रह्म पदैकेना तस्थौ स्थाणोरिवाचल। तो फिर मन के अंदर भगवान को स्मरण करके एक ऐसे वृक्ष की तरह जो बिल्कुल अचल होता है, जिसके अंदर न पत्ते होते हैं न कुछ टहनियां होती, कभी कभी आपने देखो ना सारा कटा हुआ होता है, सिर्फ लकड़ी की तरह खड़ा होता है, ऐसे वृक्ष की तरह वो खड़े हो गए। यहाँ पर स्थाणु कह देना काफी था, लेकिन यहाँ पर मैत्रेय मुनि बताते हैं वो स्थाणु भी कभी तेज हवा का झोंका आता है तो थोड़ा सा हिलने लगता है, लेकिन स्थाणु रिवा चला, अचल था। ध्रुव महाराज बिल्कुल नहीं हिल रहे थे, वो भगवान के ध्यान में इतना मग्न हो गए थे कि अब वो बाहर की सुधी खो बैठे थे। और उसके बाद उनकी मानसिक दशा का वर्णन करते हुए कहा, सर्वतो मन आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयम ध्यायन भगवतो रूपम नाद्राक्षीत किंच किंचना परम। कि अब उनको और कुछ भी नहीं याद आ रहा था, हृदय के अंदर बैठे हुए केवल सर्वतो मन आकृष्ट, मन को सारी ओर से आकृष्ट कर दिया था, सब ओर से मन को हटा के उसको रिधि भूतेन्द्रियाशयम, यानी वो इंद्रियों, भूतेन्द्रियाशयम मतलब का जो समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं उनके ऊपर जो है वो हृदय पूरा एकाग्र कर दिया था। बाकी भौतिक जितनी भी वस्तु और सामग्रियां हैं उनसे अपने चित्त को हटा दिया था, और फिर भगवान के रूप को ही देख रहे थे बस। ऐसा नहीं, अभी देखो यहाँ पर साफ साफ बताया, ध्यायन भगवतो रूपम,
ध्यान कर रहे थे, किसी लाइट का नहीं ध्यान कर रहे थे, किसी निराकार का ध्यान नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको नारद मुनि ने बताया था भगवान के पूरे स्वरूप का, कैसे भगवान के नेत्र हैं, कैसे भगवान के अदर हैं, कैसे भगवान ने कौस्तुभ मणि धारण की हुई है, वैजंती माला धारण की हुई है, पीले वस्त्र पहने हुए हैं, घुंघराली वार हैं, भगवान ने किरीटिनम कुंडलम, भगवान ने बाजूबंद धारण किए। तो ऐसे भगवान का ध्यायतो भगवतो रूपम नाद्राक्षित किंचनापरम, नाद्राक्षित और कुछ भी नहीं देखते थे, भगवान के अतिरिक्त अब उनको कुछ नहीं दिख रहा था। देखो यहाँ से पता चलता है कि भगवत प्राप्ति के लिए कितना एकाग्रता की आवश्यकता है। जब तक हृदय के अंदर एक जरा सी भी कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी यदि याद आ जाता है तो भूल जाइए, फिर नहीं मिलेंगे। ये कृष्ण तभी मिलेंगे जब कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ ना सोचा जाए। तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि यहाँ पर ध्यान के यौगिक नियमों को स्पष्ट व्याख्या की गई। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य को मन अनियंत्र ना लगाकर भगवान के स्वरूप पर स्थित करना होता है। इसका यह अर्थ नहीं कि किसी निर्गुण वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया जाए या इसका ध्यान किया जाए, ऐसा करना समय का अपव्यय है, क्योंकि वह अनावश्यक रूप से कष्टदायक है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। तो क्या करना है, ध्यान करना किसका है, ध्यायन भगवतो रूपम, भगवान के स्वरूप का ध्यान करना है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चमत्कार होना शुरू होते हैं। और पहला आश्चर्य होता है जब गुरु महाराज ने परब्रह्म को अपने हृदय में धारण कर देता है, और इस तरह से जब वो ध्यायन ब्रह्म पदे के ना एक पद पर खड़े हुए हैं, वो उस समय तीनों लोक के प्राणी जो है वो थर थर कांपने लगते। एक छोटा सा भक्त मन को भगवान में केंद्रित कर दिया तो पूरा ब्रह्मांड कांपने लगता है। और ध्रुव महाराज के तेज इतना तो बढ़ गया है कि बड़े बड़े देवता भी उनके तेज को सहन नहीं कर पाते। और क्या हो जाता है, तो मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं आधारम महदादीना प्रधान पुरुषेश्वरम ब्रह्म धारय मानस्य त्रयोलोकाचकंपिरे। आधारम महदादीना, महदानी मतलब समस्त सृष्टि के आदि महत्तत्व वो है, उसके अंदर उसका आश्रय लेते हैं जब वो भगवान को हृदय में बिठाते हैं, तो प्रधान पुरुष ईश्वर सभी जीव आत्माओं के स्वामी भगवान को जब वो आधार बनाकर अपने हृदय में उनका ध्यान कर देते हैं, तो ब्रह्म धारय मानस्य हृदय में ब्रह्म को धारण करने से त्रयोलोकाशकंपर तीनों लोक कांपने लगते हैं। एक शुद्ध वैष्णव भक्त जब भगवान की भक्ति करता है ना, उसका प्रभाव तीनों लोक पे होता है। किसी देवता को पता नहीं है कि क्या हो रहा है, किसी को भी पता नहीं है। एक छोटा सा बच्चा वो माँ बाप से रूठ कर जंगल में चला गया और समस्त तेज के आधार भगवान को अपने हृदय में बिठाया, और पूरा जो संसार है वो थर थर कांप रहा है। क्या हो रहा है, क्या आश्चर्य हो रहे हैं, अनुवाद देखिए। इस प्रकार जब ध्रुव महाराज ने समग्र भौतिक सृष्टि के आश्रय तथा समस्त जीव आत्माओं के स्वामी भगवान को अपने वश में कर लिया, तो तीनों लोक हिलने लगे। ब्रह्म धारय मानस्य, भगवान जो है वो भक्ति के वश में आ जाते हैं। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना यह स्वस्थ यह स्वतंत्र द्विजो बदा। भक्त ये जो भक्त है उसके भगवान अधीन हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में ब्रह्म शब्द महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड का अर्थ है वो जो ना केवल सबसे महान है वरन जिसमें विस्तार की असीम शक्ति है। ध्रुव महाराज ब्रह्म को अपने हृदय में किस प्रकार से आबद्ध कर सके,
इस प्रश्न का उत्तर जीव गोस्वामी ने बहुत ही अच्छे से ढंग से दिया। अब छोटा सा ध्रुव है, उसका छोटा सा हार्ट है, और वो असीम शक्ति के मालिक भगवान उसके हृदय में किस तरह से स्थापित हो गए हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जीव गोस्वामी बताते हैं, उनका कथन है कि भगवान ही ब्रह्म के मूल हैं, क्योंकि भौतिक अथवा आध्यात्मिक सब कुछ उनमें समाहित है, अतः उनसे बड़ा कोई नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में भी परमेश्वर कहते हैं कि ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठा हम, के ब्रह्म को का आश्रित में हूँ। अनेक पुरुष विशेष रूप से मायावादी दार्शनिक ब्रह्म को महानतम सर्व परसरण वस्तु मानते हैं, किंतु इस श्लोक में तथा भगवद गीता जैसे अन्य वैदिक साहित्य से प्रकट है कि ब्रह्म का आश्रय भगवान श्री कृष्ण है। इस जिस प्रकार के सूर्य प्रकाश का आश्रय सूर्य का गोलक है, अतः श्रीला जीव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान का दिव्य रूप समस्त महानता का बीज है, अतः वह पर ब्रह्म है, क्योंकि पर ब्रह्म ध्रुव महाराज के हृदय में विद्यमान है। तो ब्रह्म तो असीम है, लेकिन भगवान का स्वरूप तो देखा जा सकता है। तो उस स्वरूप को ध्रुव ने जब अपने हृदय में धारण कर दिया, अतः वे गुरुतम से भी बढ़कर हो गए, इसीलिए उनके भार से तीनों लोक तथा वैकुंठ के लोक की सारी वस्तुएं हिलने लगी। क्योंकि अब क्या हुआ, जो सबसे महान भगवान है, जो पर ब्रह्म के भी स्रोत है, जो ब्रह्म के भी स्रोत है, वो भगवान हृदय में आ गए। तो ये छोटा सा ध्रुव अब गुरुतम से भी गुरुतम हो गया, पृथ्वी हिलने लगी, देवताओं के लोग, ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो कंपायमान हो गया ध्रुव महाराज की इस तपस्या से। महातत्व ही समस्त ब्रह्मांडों की, जिसमें सभी जीव आत्माएं हैं, चरम परिणति है। ब्रह्म इस महातत्व का आश्रय है। इस संबंध में कहा गया है कि परब्रह्म प्रधान तथा पुरुष दोनों का स्वामी है। प्रधान का अर्थ है सूक्ष्म पदार्थ यथा आकाश, तथा पुरुष का अर्थ है जीव आत्माएं, जो सूक्ष्म भौतिक जगत के में आकर फंस गई हैं। उन्हें परा प्रकृति तथा अपरा प्रकृति कहते हैं, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, कृष्ण ही दोनों प्रकृतियों के नियंता हैं, अतः प्रधान तथा पुरुष के स्वामी हैं। वैदिक मंत्रों में भी परब्रह्म को अंतः प्रविष्ट शास्ता कहकर कहा गया है। इससे यह सूचित होता है कि श्री भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करने वाले तथा प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण रखने वाले हैं। ब्रह्म संहिता में 5.65 में इसकी पुष्टि हुई है, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। उसका ना केवल ब्रह्मांडों में वरन प्रत्येक परमाणु में प्रवेश है। श्रीमद् भगवद गीता 10.42 में कृष्ण यह भी कहते हैं, विष्टव्याहम इदम कृष्णम। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करके उसका नियमन कर रहे हैं। अपने हृदय में परम पुरुष के निरंतर साहचर्य से ध्रुव महाराज ब्रह्म के समान हो गए, और इस प्रकार सबसे भारी हो गए, जिससे सारा ब्रह्मांड कांपने लगा। तो यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि भगवान के अंदर सब कुछ है, है ना, भगवान की सारी शक्तियां हैं। भगवान आ गए हृदय में, उसका मतलब ये नहीं कि बस छोटे से लड्डू गोपाल अंदर आ गए और छोटे से होंगे, नहीं। भगवान का मतलब क्या है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यश्चर्यस्य शश्रया ज्ञान वैराग्यश्चैव षडनाम भग इति गणा। भगवान के सारे ऐश्वर्य आ गए, भगवान की सारी शक्तियां। क्या शक्तियां हैं, महत्तत्व, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, वो सब आ गए। जीव भूतां महाबाहो अपरेयम इतस्त्वन्यम प्रकृतिम विद्धि में परा, भगवान की प्रकृति जो परा प्रकृति है वो भी उसके अंदर आ गई। भगवान के अंदर सारे देवी देवता हैं, भगवान के अंदर सब कुछ है। ब्रह्मणमीशम कमलासनस्थम ऋषिश्च सर्वाणु रागाश्च दिव्या। ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे हुए हैं, शिव जी बैठे हुए हैं, सारे दिव्य नाग हैं भगवान के अंदर, सारे ऋषि मुनि हैं। तो वो सारे के सारे जब ध्रुव महाराज के हृदय में आ गए, तो उनका भार कितना हो गया होगा, है
है ना, ये सारे लोकों के वासी भगवान के अंदर, और भगवान जब ध्रुव महाराज के अंदर, तो पृथ्वी जो है कंपन होने लगी, सारा ब्रह्मांड कंपने लगा। और क्योंकि ध्रुव महाराज ने ऐसे भगवान को अपने हृदय में धारण किया हुआ था, जिससे वो महाराज ब्रह्म के समान हो गए और उस प्रकार सबसे भारी हो गए, जिससे सारा ब्रह्मांड कांपने लगा। निष्कर्ष ऐसा, निष्कृतः ऐसा व्यक्ति जो सदा अपने हृदय में कृष्ण के दिव्य रूप का ध्यान करता है, वह अपने कार्यों से सारे विश्व को चकित कर सकता है। यही योग की सिद्धि है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 6.47 में पुष्टि की गई है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते योमा समय युक्त तमाव मता। सभी योगियों में भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह अपने हृदय में श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करता है और दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। सामान्य योगी आश्चर्यजनक भौतिक कार्य कर सकते हैं, जिन्हें अष्ट सिद्धि कहा जाता है, किंतु भगवान का शुद्ध भक्त इन सिद्धियों से बढ़कर ऐसे कार्य कर सकता है जिससे सारा ब्रह्मांड दहल जाए। श्रील प्रभुपाद की जय। ध्रुव महाराज की जय। और अब पहला आश्चर्य तो ये हुआ कि ध्रुव महाराज ने सारे वस्तुओं से ध्यान हटाकर भगवान को अंदर बिठा दिया, और जब भगवान अंदर बैठ गए तो सारा ब्रह्मांड उनके अंदर बैठ गया, और उनका वेट इतना बढ़ गया कि सारी पृथ्वी और सारा ब्रह्मांड हिलने लगा। और अब दूसरा आश्चर्य सुनिए। दूसरा आश्चर्य क्या होता है कि जैसे ही ध्रुव महाराज के अंदर इतना वजन आ गया, पूरी प्रकृति का भार उठाने वाला वो भगवान, जो प्रत्येक ब्रह्मांड का शासन करने वाला, जब ध्रुव महाराज के अंदर आ गया, तो ध्रुव महाराज क्योंकि एक पद पे खड़े थे, अब उन्होंने एक पग पे नहीं, एक पग का जो अंगूठा है ना उसको दबाया, जैसे वो एक पग के अंगूठे पे खड़े थे, और जैसे ही वो अंगूठे से पृथ्वी को दबाया है, तो उसी समय पृथ्वी जो है वो उसके भार को नहीं सहन सकती है। और क्योंकि अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान उनके अंदर हैं, तो भगवान जो है, भगवान के होने के कारण पृथ्वी जो है वो दब जाती है। तो कैसे दबती है उसका बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर मैत्रेय मुनि कहते हैं। वे कहते हैं, पदैक यदैक पादेन स पार्थिवार्भक तस्थौ तदंगुष्ठनी पीड़िता मही न नाम तत्रार्धमिभेन्द्र दिष्ठिता तरीव सव्वी तरत पदे पदे। यदैक पादे स पार्थिवाबर्क, यद एक पादे न, वो एक पाद पाद पर, स मतलब वो ध्रुव महाराज, पार्थिव अर्थात वो राजा का पुत्र अर्भक, तस्थौ जब खड़ा हो गया, तत् अंगुष्ठ उनके अंगुष्ठ से, तत् अंगुष्ठ निपीड़िता मही, मही अर्थात पृथ्वी जो है वो दब गई। इतना भार था ध्रुव महाराज के अंदर कि उस जगह से जहां पर उनका थम, उनका जो टो रखा हुआ था पृथ्वी, वहां से दब गई निपीड़िता मही। और उसके आगे कहते हैं, न नाम तत्रार्धमिभेन्द्र दिष्ठिता, न नाम यानी पृथ्वी नीचे झुक गई, अब जहां पर पांव रखा है वहां से पृथ्वी जो है वो नीचे दब गई है। अर्धम यानी आधा, इब इंद्र किस तरह से, किस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, इब इंद्र यानी हाथियों का जो राजा होता है, जब वो किसी नौका में बैठता है, दिष्ठिता तरीरिव यानी नाव के अंदर जब हाथियों का राजा गजेंद्र बैठेगा, तो जहां पर पैर रखेगा चलेगा ना, अगर वो सारे हाथी पैर ऐसे करेगा, जिस तरफ पैर रखेगा तो वहां से नौका नीचे हो जाएगी, फिर दूसरी तरफ पैर रखेगा तो नौका नीचे हो जाएगी। और उस तरह से क्या कहते हैं, न नाम तत्रा धमभेन्द्र धमभेन्द्र दिष्ठिता तरीव सव्वी तरत पदे पदे, त
तरीव सव्य, नाव के समान सव्य इतरतः, यानी कभी दाएं कभी बाएं, जैसा जैसा पद दायां पांव अगर रखेगा तो नौका इधर हो जाएगी, बायां पांव रखेगा तो नौका इधर हो जाए, उसी तरह से जैसे ध्रुव महाराज ने पग रखा तो वहां से पृथ्वी जो है वो दब गई। अनुवाद, जब राजपुत्र ध्रुव महाराज अपने एक पांव पर अविचल भाव से खड़े रहे थे तो उनके पांव के भार से आधी पृथ्वी उसी प्रकार नीचे चली गई, जिस प्रकार की हाथी के चढ़ने से पानी में उसके प्रत्येक कदम से नाव कभी दाएं हिलती है तो कभी बाएं हिलती है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण पद पार्थिवावर्क अर्थात राजा का पुत्र। जब ध्रुव घर से घर पर थे तो राजपुत्र होते हुए भी वे अपने पिता की गोद में चढ़ने से रोक दिए गए, किंतु जब वे आत्म साक्षात्कार अथवा भक्ति में आगे बढ़ने लगे तो वे अपने अंगूठे के बाण से पृथ्वी को दबा सकते थे। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, देखो जो राजा के पुत्र थे तब तो उसकी चली नहीं रही थी, बाप भी गोद में नहीं उठा रहा था, और अब त्रिलोकी कांप रही है, त्रिलोकी का बाप आएगा उसको गोद में बिठाने के लिए। भक्ति के अंदर कितनी शक्ति है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु जब वे आत्म साक्षात्कार अथवा भक्ति के में आगे बढ़ गए तो अपने अंगूठे से के भार से पृथ्वी को दबा सकते थे। सामान्य चेतना तथा कृष्ण चेतना का यही अंतर है। सामान्य चेतना में राजा के पुत्र को भी उसका पिता उस किसी वस्तु के लिए मना कर सकता है, किंतु जब वही व्यक्ति हृदय में कृष्ण चेतना से युक्त हो जाता है तो अपने अंगूठे के दाब से वो पृथ्वी को धकेल सकता है। भक्ति में कितनी शक्ति होती है उसका यहाँ पर वर्णन किया जाता है। कोई यह तर्क नहीं कर सकता कि वही ध्रुव जिन्हें पिता ने गोद में चढ़ने से मना कर दिया था सारी पृथ्वी को किस प्रकार हिला सकता है। इस तर्क को विद्वान पसंद नहीं कर सकते क्योंकि यह नग्न मात्रिका तर्क शास्त्र का उदाहरण है। इस तर्क से कोई यह सोच सकता है कि चूंकि माता बचपन में नंगी रहती थी इसीलिए उसे तरुण होने पर भी नंगी रहना चाहिए। ध्रुव महाराज की विमाता इसी प्रकार सोचती रही होगी क्योंकि उसने ध्रुव को पिता की गोद में नहीं चढ़ने दिया था, अतः वो अब क्यों मनाने लगी कि ध्रुव को के भार से पृथ्वी पूरी पृथ्वी जो है वो हिलने लगी। वह अवश्य ही अत्यधिक आश्चर्यचकित हुई होगी जब उसने जाना होगा कि भगवान का निरंतर ध्यान धरने से ध्रुव महाराज पृथ्वी को उसी प्रकार से दबा सकते थे जिस प्रकार नाव पर चढ़ने पर हाथी नाव को दबा सकते थे। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ध्रुव वही हैं जिनको उनके पिता ने गोद में भी बैठने नहीं दिया, लेकिन जब वो भक्ति करते हैं तो उसके अंदर कितनी शक्ति आ गई है कि पूरी पृथ्वी उनके केवल अंगूठे के बाहर से वो बाहर को भी सहन नहीं कर पा रही है, वो दब रही है। और उसके बाद ध्रुव महाराज जब भगवान को हृदय में धारण किए हैं तो भगवान के सौंदर्य और तेज पर मोहित होकर वे ऐसा विचार करते हैं कि भगवान में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, मतलब वो भगवान से एकत्व भाव करते हैं। अब क्योंकि उसको भगवान के अतिरिक्त और कुछ दिख नहीं रहा है, वो केवल भगवान को ही देखते हैं, तो भगवान के जैसा जो है ना वो कार्य करते हैं। अब क्या कार्य भगवान का है? भगवान जो है वो जैसे कारण दक्षाय विष्णु है, बहुत लंबी सांस लेते हैं और बहुत समय के बाद लेते हैं, ऐसे हमारी तरह सांस नहीं लेते हैं। तो ध्रुव महाराज जो 12-12 दिन के बाद सांस लेते थे वो उनको ऐसा लगा, जैसे हम ब्रह्म संहिता में पढ़ते हैं, यस्य कनिष्वसित कालम अथावलंब्य तिलोम विलजा गदंडनाथा।
तो जिनकी एक श्वास से या स्यैकनेश्व से सकाल मथावलंब्य, तो ऐसे वो ध्रुव महाराज भी एक सांस लेते, एक बड़ी सी सांस ली ध्रुव महाराज ने और फिर श्वास रोक ली। अब जैसे ही श्वास रोक ली है उस समय क्या आश्चर्य होता है वो हम यहाँ पर सुनते हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं, तस्मिन्नभिद्यायति विश्वमात्मनो द्वारं निरुध्या सुमनन्यया धिया लोकानिरुच्छ्वासन पीडितावृषं सलोकपाला शरणं ययुर्हरिं। तस्मिन्नभिद्यायति विश्वमात्मनः, तस्मिन् यानी ध्रुव महाराज, अभिद्याय मतलब पूर्ण मनोयोग से ध्यान किया, किसका, भगवान का, विश्वमात्मन यानी ब्रह्मांड का जो पूर्ण जो आत्मा है, ब्रह्मांड की जो आत्मा है उस भगवान का जब उन्होंने ध्यान किया, और द्वारम यानी जो दरवाजे हैं, जो छेद हैं जिससे ग्रहण किया जाता है, निरुद्ध सारे द्वार बंद कर दिए, भगवान का ध्यान किया और जो सारे द्वार हैं उन सब को बंद कर दिया और एक जोरदार सांस, द्वारम निरुद्ध्या सुमनन्यया दिया, सुमनन्यया मतलब फिर उसने प्राणवायु, असुम का मतलब होता है प्राण, प्राणवायु को अनन्यया यानी अविचल भाव से प्राणवायु को जो ग्रहण किया, दिया यानी ध्यान, फिर क्या होता है लोक का यानी सारे लोक जो हैं उनका निरुच्छ्वास, श्वास लेना रुक गया। उन्होंने ध्रुव महाराज क्योंकि भगवान अंदर थे तो सार एक बहुत बड़ा सांस लिया और अपनी सांस को रोक कर दिया, बंद कर दिया, और भगवान चूंकि अंदर हैं अब सारा जो संसार है, जो पृथ्वी लोक है, जन लोक, तप लोक, महर लोक, सिद्ध लोक, स्वर्ग लोक, सारे जितने लोग हैं उन सब की सांसें रुक गई। अब सारे जो लोग हैं वो परेशान हो गए, लोक लोकानिरुश्वासन पीड़िता विषम, निपीड़िता यानी अब उनका दम घुटने लगा, सांस बंद हो गई, सांस आई नहीं रही, वो कोशिश कर रहे आ नहीं रही है, तो फिर क्या होता है निपीड़िता उनका दम घुटने लगा, वृषम शीघ्री, फिर सारे जितने भी लोकपाल हैं उन्होंने आपस में एक न सलाह की कि अब क्या करना चाहिए, दम घुट रहा है, सांस नहीं निकल रही है, तो क्या कर रहा है सर। ये वही करुणा वाली स्थिति नहीं है, करुणा ये जो कोरोना वायरस है ना उसी में भी ऐसा होता है ना कि सांस जो है ना वो घुटने लगता है, तो उस समय साधारण व्यक्ति क्या प्रतिक्रिया करता है और भगवान के जो भक्त है वो क्या प्रतिक्रिया करते हैं। साधारण व्यक्ति जो है ना वो ऑक्सीजन सिलेंडर को ढूंढता है और जो भक्त है ना वो ऑक्सीजन सिलेंडर के स्रोत को ढूंढते हैं। सलोक पाला शरणम ययुर हरिम, सलोक पाला शरणम ययुर हरिम यानी सारे देवता वो पहले समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है, सांस क्यों चुक रही घुट रही है, दम क्यों घुट रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ही निर्णय किया, शरणम ययुर हरिम, कि चलो चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं, ये सारी समस्याएं जो हैं वो भगवान विष्णु के पास जाकर ही हमारी समाप्त हो सकती हैं, वही बचाएंगे, नहीं तो आज मरना पड़ेगा। और संकट में बड़े बड़े देवी देवता जो है ना वो कहाँ जाते हैं, वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं, और थर्ड क्लास के जो व्यक्ति है ना वो अन्य सहारों को ढूंढते हैं, महान देवता ऋषि मुनि योगी ध्यानी तपस्वी डायरेक्ट भगवान की शरण लेते हैं। यहां से पता चलता है कि कौन कितना महान है, केवल ज्ञान होना काफी नहीं है। एक दफा क्या हुआ, रामकृष्ण परमहंस के पास एक बहुत ही ज्ञानी जिसके पास बहुत सारी डिग्रियां थी ऐसा व्यक्ति जब आया तो उसने रामकृष्ण परमहंस से कहा कि
मुझे मुझे लगता है कि जीवन का जो लक्ष्य है वो है भोग करना, खाओ पिया मजा करो। तो रामकृष्ण परमहंस बोलते, ऊंची उड़ान तो तुमने भर ली है। ऊंची उड़ान का मतलब होता है जैसे गिद्ध होता है ना, वो एक एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि गिद्ध ऊंची उड़ान तो उड़ लेता है, लेकिन ऊपर से भी उसकी नजर कहाँ पर होती है, मरे हुए पशु की ओर होती है। जो पशु जो मरा हुआ होता है ना, उसकी ओर होती है कि जाके मुझे उसका भोग करना है। तो आजकल का जो जीव है वो चाहे कितना भी एजुकेटेड हो जाता है, उसकी दृष्टि केवल भोग पे ही होती है। भोग करना है मुझे, भोग करना है। और वो क्या करता है, वो अपनी एजुकेशन के द्वारा भी भौतिक भोग के लिए आकर्षित होता है। लेकिन लेकिन यहाँ पर शास्त्र बताता है कि हम जितना जितना ज्ञान होता है उतना उतना भोगों से जो है जीव का आकर्षण खत्म होना चाहिए। और आकर्षण किधर केंद्रित होना चाहिए, भगवान के अंदर केंद्रित होना चाहिए। और यहाँ पर जब भी कोई संकट आता है तो किधर जाना चाहिए, संकट के समय भगवान के ही शरण में जाना चाहिए। अब ध्रुव महाराज के अंदर साक्षात भगवान, सारा विश्व विश्व जो है वो भगवान के अंदर। ध्रुव महाराज ने जब सांस रोका तो फिर सारे विश्व की सांस रुक गई, सभी प्राणियों जो है वो छटपटाने लगे, उन सब लोकपालों की जो है वो दशा जो दुर्दशा हो गई। लेकिन सबने एक ही निर्णय लिया, क्या करना है, सलोकपाला शरणम ययुर हरि। तो यहाँ पर एक बात समझने की है कि जीव भगवान का दास है। हरि जो हरि का मतलब होता है जो समस्त दुख को समाप्त कर सकते हैं, सर्व अमंगल हरि, उस भगवान के पास। वास्तव में जीव भगवान का दास है, केवल भगवान ही रक्षा करेंगे, केवल भगवान ही बचाएंगे। इसलिए क्यों हम इधर उधर भटक रहे हैं संसार में, ये मेरी शरण, उसकी शरण में जाओ, उसकी शरण। सबसे ज्यादा जो लोग हमें चीट करते हैं कि आप दुख के समय इधर जाओ, दुख के समय इधर जाओ, वो या तो कहते हैं हमारे पास आ जाओ। अरे तुम अपने आप को क्या जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा सकते हो जो हमें अपनी शरण में आने के लिए कह रहे हो। एक अंधा यदि एक अंधे का हाथ पकड़ के वो जब आगे बढ़ेगा तो दोनों ही खड्डे में गिरेंगे। इसलिए यदि किसी वैष्णव, ऐसे वैष्णव गुरु का आश्रय लेना चाहिए जो स्वयं भगवान की शरण में है और तुम्हें भी भगवान की शरण में लेकर जाए। इसलिए एक बहुत ही सुंदर भागवतम में उदाहरण आता है भवाटरी महाराज का। भवाटरी गीत में क्या लिखा होता है कि जब कोई जो सिंह है, सिंह जब किसी के ऊपर अगर आक्रमण करता है और वो अगर भेड़िए की, गिद्ध की या फिर बगुले की शरण लेता है तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ होता है। क्योंकि भेड़िया, गिद्ध या बगुला तो सिंह का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो उसी तरह से यदि हमारे ऊपर काल का आक्रमण होता है, सिंह काल की तरह है और काल प्रतिक्षण जो है वो हमारी आयु को खत्म कर रहा है। हर एक क्षण में हम देखते हैं आयु कम हो रही है ना, आयु एक एक मिनट में, एक एक घंटे में हम जो है वो मृत्यु के निकट जा रहे हैं। और मृत्यु से बचने के लिए यदि हम भौतिक किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, वो तो वैसे ही है गिद्ध बगला और भेड़िए की तरह है, वो क्या हमें मृत्यु से बचा सकते हैं जो स्वयं उससे मृत्यु से ग्रस्त है। तो यदि दुख के समय, संकट के समय कहीं पर जाना है तो उसका एक ही तरीका है, सलोकपाला शरणम ययुर हरि। तो वो इस संकट की घड़ी में बचने के लिए वो सब जितने भी लोकपाल हैं, सारे देवी देवता हैं, वो किसके पास जाते हैं, शरणम ययुर हरि, अर्थात हरि की शरण में जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं। तो अनुवाद देखिए, जब ध्रुव महाराज गुरुता में भगवान विष्णु अर्थात समग्र चेतना से एकाकार हो गए तो उनके पूर्ण रूप से केंद्रीभूत होने तथा शरीर के सभी छद्रों को बंद बंद हो जाने से सारे विश्व की सांस घुटने लगी और सभी लोकों के समस्त बड़े बड़े देवताओं का दम घुटने लगा। अतः वे सभी भगवान की शरण में आ गए। तो यहाँ पर इतना सुंदर जो है वो उदाहरण दिया जा रहा है कि एक भक्त जो है
उसने पूरे संसार के सारे जीवों का जो है ना सांस लेना खत्म कर दिया। घर से निकाले हुए बच्चे बगैर किसी सपोर्ट के, केवल भगवान के नाम के, भगवान की भक्ति के बल पर उन्होंने सारे देवी देवताओं को विचलित कर दिया। सारे देवी देवता छटपटाने लगे कि अब क्या होगा, क्या कारण। देवताओं को तो पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। उनको लगा, शायद इंद्र को लगा कि असुरों ने आक्रमण किया है, कोई ऐसा अस्त्र फेंका होगा कि हमारी सांस जो है वो रुक गई है। उनको सच में पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो सब इतनी अकलमंदी कर रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, भगवान के पास। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, जब सैकड़ों व्यक्ति किसी विमान में बैठे रहते हैं तो वे व्यष्टि होकर भी हजारों मील की चाल से उड़ने वाले वायुयान के वेग में हिस्सा बांटते हैं। इसी प्रकार जब हम इकाई शक्ति को समग्र शक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो इकाई शक्ति समग्र शक्ति के बराबर शक्तिमान हो सकती है। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है कि अपनी आत्मोन्नति के कारण गुरु महाराज में समग्र गुरुता आ गई, जिससे सारी पृथ्वी दब गई। ऐसी आध्यात्मिक शक्ति से उनका व्यष्टि शरीर ब्रह्मांड का समग्र शरीर बन गया। एक साथ सारे ब्रह्मांड को अपने शरीर के अंदर धारण किया, जैसे भगवान को धारण किया। तो जैसे स्वयं सांस लेना बंद किए तो सारे ब्रह्मांड की सांस जो है वो रुक गई। तो वहां पर ऐसी आध्यात्मिक शक्ति से उनका व्यष्टि शरीर ब्रह्मांड का समग्र शरीर बन जाता है। अतः जब उन्होंने अपने मन को भगवान में दृढ़ता से लगाने के लिए शरीर के सारे छिद्र बंद कर लिए तो ब्रह्मांड की सारी इकाइयां, समस्त जीव आत्माएं जिनमें बड़े बड़े देवता भी सम्मिलित थे, भार के कारण घुटन का अनुभव करने लगे। अतः वे सब भगवान की शरण में आए, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो ध्रुव महाराज द्वारा अपने शरीर के छिद्रों को बंद करना और उससे सारे ब्रह्मांड के श्वास द्वारों का रुद्ध होना एक ऐसा उदाहरण है जो यह बताता है कि भक्त अपनी व्यक्तिगत भक्ति से सारे विश्व के लोगों को प्रभावित कर सकता है। एक छोटा सा बालक जिसने भगवान की भक्ति करने का निर्णय और निश्चय कर दिया तो सारे ब्रह्मांड को उसने प्रभावित कर दिया। सारे ब्रह्मांड की सांस रुक गई, सारे देवी देवता, सारे लोकपाल जो है वो दम घुटने के कारण परेशान हो गए। तो उन्हें भगवान का भक्त बना सकता है, यानी अगर एक व्यक्ति शुद्ध भक्त बन जाए तो वो भगवान, सबको भगवान का भक्त बना सकता है। इसका उदाहरण है स्वयं साक्षात शिला प्रभुपाद जी। एक अकेले प्रभुपाद जी जब निकले थे यहाँ से, अब करोड़ों भक्त जो है वो उसी प्रभुपाद जी के पद चिन्हों पर चलकर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। जगह जगह पर केंद्र बने हुए हैं, इस्कॉन की स्थापना हुई, कितने सारे लोग जो हैं वो इन नियमों का पालन कर रहे हैं। एक भक्त जब आगे निकलता है तो पूरे विश्व में जो है वो भगवान की भक्ति को फैला सकता है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, तो चाहे एक ही शुद्ध भक्त क्यों ना हो, वह सारे विश्व की चेतना को कृष्ण चेतना में बदल सकता है। यदि हम ध्रुव महाराज के चरित्र को पढ़ें तो इसे समझ पाना जरा भी कठिन नहीं होगा। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, ये बहुत ही सरल है समझना कि भगवान का भक्त जो होता है वो कितने सारे चमत्कार कर सकता है, क्योंकि उसके हृदय में साक्षात भगवान का निवास होता है। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, कल हम ये देखेंगे कि भगवान के पास सारे देवी देवता जाते हैं तो फिर वो कैसे भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान किस तरह से उनके इस संकट को दूर करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और
और निरपराध भाव से हरि नाम का जप करके गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय। नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति विदान स्वामी शुभ्रपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज।